हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा था। और यह व्यक्ति कोई विदेशी नहीं बल्कि भारत के ही कंप्यूटर राधानाथ सिकदर थे और यह कारनामा उन्होंने पर्वत पर बिना चढ़े ही कर दिखाया था। कौन थे राधानाथ सिकदर और यह कारनामा उन्होंने कैसे कर दिखाया, यह बात जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। राधानाथ सिकदर का जन्म 5 अक्टूबर 1813 को बंगाल में हुआ था। आर्थिक स्थिति नाजुक होने की वजह से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षण गांव से ही लिया था, लेकिन अपने तेज दिमाग के बलबूते पर उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल कर ली और सन 1824 में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में दाखिल हुए थे, जो आज प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यहीं पे सन 1830 में जाने माने गणितज्ञ जॉन टाइटलर से शिक्षा लेने लगे थे। राधानाथ को महान मानने वाले जॉन टाइटलर ने जॉर्ज एवरेस्ट से उनकी सिफारिश करवाई थी। 19वीं शताब्दी में कंप्यूटर और कैलकुलेटर का आविष्कार नहीं हुआ था, जिससे उस समय जो कोई भी अपने दिमाग के बलबूते पर मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन कर पाता था उसे कंप्यूटर ही कहा जाता था। 19 दिसंबर 1831 को जॉर्ज एवरेस्ट के प्रोजेक्ट द ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि GTS के लिए राधानाथ का सिलेक्शन हुआ था। उस समय 19 साल के राधानाथ को 30 रुपये प्रति माह की तनख्वाह पर कंप्यूटर के पद पर नियुक्त किया गया था। GTS के प्रोजेक्ट पर कई सालों तक काम करने के बाद उनका चीफ कंप्यूटर के पद पर प्रमोशन भी हुआ था। जॉर्ज एवरेस्ट के निवृत्त होने के बाद उनके पद पर आने वाले कर्नल एंड्रयू स्कॉट वो ने राधानाथ को पर्वत शिखरों की ऊंचाई नापने का काम सौंपा था। उस समय राधानाथ सिकदर के लिए यह चुनौतियों से भरा हुआ काम था। राधानाथ ने उस समय साधारण जियोमेट्रिकल तरीके और बहुत ही बड़े टेलीस्कोप जैसे उपकरण थियोडोलाइट का इस्तेमाल किया था। आज का थियोडोलाइट भले ही एक इंसान के लिए साधारण उपकरण बन गया हो, पर उस समय के थियोडोलाइट का वजन करीब 1000 पाउंड यानी कि 450 किलो था, जिसे कहीं पर भी ले जाने के लिए कम से कम 12 लोगों की ताकत लगती थी। इसी उपकरण से पीक 15 की ऊंचाई नापने के लिए राधानाथ ने 6 अलग अलग जगहों से जानकारी इकट्ठी की थी। उस समय पीक 15 से जुड़े देशों से आवाजाही पर मनाई थी, जिससे यह 6 जगह करीब पीक 15 से 100 किलोमीटर की दूरी पर थी। एवरेज ऊंचाई को नापने के लिए राधानाथ ने मिर्ज़ापुर, झरोल, जनजीवटी, लदानिया, हरपुर और मिनाई इन 6 जगहों से नाप लिया था। वहां बड़े टावरों से पीक 15 का त्रिकोण बनाकर नाप लेने का कार्य चल रहा था। अलग अलग विशेषज्ञों के मुताबिक यह रीत कुछ इस प्रकार थी। वह पहले ए स्थान पर गए और वहां से थियोडोलाइट का उपयोग कर पीक को नापा और अपना एक एंगल निकाल लिया, जिसके बाद वह दूसरे बी स्थान पर गए जिसकी दूरी पहले से ही पता थी। वहां पर भी इसी प्रकार दूसरा एंगल निकाल लिया और त्रिकोणमितीय सूत्रों का उपयोग कर इन नाप और लंबाइयों से उन्होंने शिखर की ऊंचाई को नाप लिया था। और इस प्रकार करीब 4 साल तक कार्य करके उन्होंने कई प्रयोग कर और खुद के ही कई बनाए हुए सूत्रों का उपयोग कर सन 1852 की एक सुबह राधानाथ भागते हुए कर्नल वो के रूम में पहुंच गए और जोश के साथ कहा, सर, मैंने दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर खोज लिया है और जिसकी ऊंचाई है 29,000 फीट। सिकदर ने सन 1852 में 29,000 फीट की ऊंचाई को नापा था, जिसे एक बार फिर से सही साबित करने के लिए कर्नल वो ने दूसरे 4 साल लगा दिए थे और फिर विशेषज्ञों की सलाह से 29,002 फीट को मान्यता दे दी गई थी और सन 1856 में कर्नल वो ने इसे दुनिया के सामने पेश किया था। कर्नल वो ने अपने सर जॉर्ज एवरेस्ट को मान देते हुए उनके नाम से पीक 15 का नाम माउंट एवरेस्ट दे दिया था। पीक 15 का नाम माउंट एवरेस्ट कभी नहीं होता अगर उस कठिन कार्य के पीछे राधानाथ का हाथ न होता, लेकिन अंग्रेजों ने इस सफलता का श्रेय राधानाथ को कभी दिया ही नहीं। सन 1851 के ब्रिटिश सर्वे मैनुअल में लिखा गया कि
इसके टेक्निकल और मैथमेटिकल चैप्टर्स राधानाथ द्वारा लिखे गए थे। सन 1864 में सिकदर को उनके इस काम के लिए फिलोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ जर्मनी में भी स्थान दिया गया था। यह सम्मान पाने वाले वह पहले भारतीय भी थे। 17 मई सन 1870 में राधानाथ का देहांत हो गया और इसी के साथ राधानाथ गुमनामी में खो गए। 152 साल बाद यानी कि सन 2004 में भारत सरकार ने राधानाथ सिकदर के नाम से एक पोस्टल स्टैम्प भी बनवाया था। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने भारतीय राधानाथ सिकदर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।